आराम से आराम से। सो गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरह के गड्ढे किए हुए हैं, किसी जानवर ने किए, आई डोंट नो कौन सा जानवर है यहाँ पे, बट यहाँ पे रिस्की है, यहाँ पे रुकना थोड़ा रिस्की है। देखो जैसे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे इस टाइप के गड्ढे वड्ढे किए हुए। ओ भाई, ओ या, 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 या गिरने फिर यार। और भाई साहब हम इस पहाड़ी पे आ चुके हैं, सो अभी हमें आगे जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो फाइनली गाइस अभी हम रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुकेश भाई के साथ, क्योंकि मुकेश भाई की जो गाड़ी की स्पीड है वो 60 से ऊपर चल रही है। एक्टिवा 100 पे लेके जा रहे हैं, मेरे घर में 80-90 पे लेके जा रहे हैं। तो 80-90 तक लेके जाओगे हम तो 80। अरे यार मैंने देखा तुम्हारी 60 से ऊपर गई नहीं मेरे साथ, बोल रहा है कि मैं 80 से ऊपर लेके जा रहा हूँ, बट मैंने 60 से ऊपर इनकी बाइक की स्पीड ही नहीं देखी है। तो अभी चलो टेस्ट कर लेते हैं लंच के बाद। सो यहाँ पे हमारा आ चुका है राइस, एंड यहाँ पे है हमारा दाल मखनी। में क्या उड़द की दाल भी होती है क्या? कौन सी उड़द की दाल है ना इसमें। और यहाँ पे बटर रोटी, और यहाँ पे कुछ सलाद। सो आज जो है बिल पे करने वाले मुकेश भाई। सो खासा पंजाबी ढाबा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना था यहाँ का, मतलब ठीक ठाक था खाना, अच्छा था, टेस्ट काफ़ी बढ़िया। सो अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, क्योंकि मैंने जैकेट, राइडिंग जैकेट पहन के ही मैंने खाना खाया, तो जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। यहाँ पर लाइट नहीं थी, पावर नहीं थी यहाँ पर, तो फ़ैन वगैरह इन्होंने ऑन नहीं किया। प्लेस तो काफ़ी ज़्यादा हॉरर लग रहा है यार देखने में, यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई। ये रास्ता तो बंद कर दिया है, इधर चलेंगे, ये है नहीं, चलते हैं, क्या दिक्कत है? सो गाइस अभी आ चुके हैं यहाँ पे, एंड देखो यहाँ पे करने वाले हैं ऑफ रोड राइडिंग। भाई कहाँ जा रहे हैं हमें कुछ भी नहीं पता है लोकेशन का, बस चलते चले जा रहे हैं। ओ भाई चलो 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 मुकेश भाई, चलते चले जाओ पहाड़ी पे चढ़ा दो ऐसे ही। तो काफ़ी प्यारी जगह पे आ चुके हैं गाइस, देखो कितना प्यारी जगह है ऑफ रोड पे चलते चलते। ओ माय गॉड, सच में यार हमें वहाँ पे पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे देखते हैं, जाने मिलता है नहीं मिलता है, बट यार रिस्की है थोड़ा सारा यहाँ पर। सो फाइनली गाइस देखो यहाँ पर आ चुके हैं ऑफ रोड राइडिंग करते करते, अभी हमें ऊपर जाना है, वहाँ जाना, देखते कैसे पहुँचेंगे, बट यहाँ से तो लग रहा है क्लोज है ये वाला रास्ता। एक बार चेक करते हैं क्या है यहाँ पे। ओ माय गॉड, यहाँ से रास्ता घूम के इधर जाएगा शायद ये। देखो भाई यहाँ पे तो रिस्की तो है, यहाँ पे सांप वगैरह भी हो सकते हैं यहाँ पे तो, सच में यार। ओ भाई अब रेते में घुस रही है गाड़ी पूरी तरीके से। ओ भाई, ओ या, या, या गिरने फिरे यार, यहाँ तो गिरने फिरे भाई। ओ यार मुकेश भाई की गाड़ी तो आराम से चली जाएगी, मेरी में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है भाई। ओ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरी गाड़ी के साथ में, मुकेश भाई की गाड़ी तो भाई आराम से जा रही है। और भाई साहब हम इस पहाड़ी पे आ चुके हैं, सो अभी हमें आगे जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो भाई साहब इधर से घुमाने के लिए सोचना पड़ेगा कहाँ से घूम के जाएगी गाड़ी। ओहो हो हो हो, चलो 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 इधर से निकाल दूंगा मैं, इधर से निकाल दूंगा भाई। आराम से यार, गिर मत जाना भाई, लेके गिरने फिरे हैं यार। ओ माय गॉड, देखो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं गाइस, एकदम पहाड़ है भाई, देखो पहाड़ के ऊपर हम गाड़ी चला रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर गाड़ी। चलो चलो यार, ऐसे निकलो ना, ऐसे निकलो सीधे। सो ये देखो भाई लोग कहाँ आ चुके हैं हम। ओ भाई यहाँ से तो यार गाड़ी गिराने में भी प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं, चलो गिराते हैं। आ, आ, आ,
सच में यार ये तो एडवेंचर प्लेस है। ये देखो भाई साहब, तो भाई साहब मैं इधर से इधर पे चढ़ाने वाला हूँ पहाड़ पे। देखो भाई साहब, पहली बार पहाड़ पे कोई गाड़ी लेके जा रहा है, देखो इस वाले यहाँ पे आज तक कोई गाड़ी नहीं लेके आया। देखो ओ भाई, मैं डर गया सच में, मन की पता नहीं क्या चीज़ है। सो फाइनली गाइस, इतनी ऊपर तो आ चुके हैं हम, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, सिटी काफ़ी नीचे रह चुकी है। और भाई अभी हमें जाना है वो साइड में पहुंचना है गाइस, अभी वो साइड में भी पहुंचना है अभी हमें। सो देखते हैं कैसे जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट ले लेते हैं पहले। आराम से गिराना। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ देखो भाई, ओ भाई यहाँ रास्ता पता नहीं है भी या नहीं है, है या नहीं है, बट देखते हैं। आगे बढ़ तो रहे हैं हम, सच में यार एकदम एडवेंचर भाई, एकदम एडवेंचर है। देखो हॉरर प्लेस तो लग रहा है भाई ये, बाकी यहाँ तो कोई आता नहीं है, अगर कोई आता तो यहाँ पे रास्ता बना हुआ होता, तो यहाँ कोई आता नहीं है, हम ही लोग जा रहे हैं। और ये देखो भाई साहब कहाँ पहुँच चुके हैं अब, तो कुछ इस तरह की जगह पे आ चुके हैं गाइस। ये देखो भाई 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 भाई, तो यहाँ पे देखते हैं किधर से जाना है अब और हमें, आओ। सो अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। ओ भाई साहब, ओरे रे रे, ओरे भाई साहब, भाई ये तो गिरने का डर लग रहा है इससे तो। सो अभी यहाँ से इतनी दूर आ चुके हैं भाई, ये देखो कौन सी जगह पर आ चुके हैं। सो अभी मैं यहाँ से इस तरह से निकलूंगा गाइस, एंड देन ऐसे सीधा लेऊंगा गाड़ी को। ओ भाई साहब, मुकेश भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, ये नहीं आगे आगे जा मैं मेरे। ये देखो भाई साहब यहाँ आ गए अब। ओ यार, ओ यार, सो गाइस अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपन। ये देखो कहाँ पहुँच चुके हैं, और ये यार यहाँ से जो है ना खतरा है थोड़ा गिरने का गाड़ी। यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ भी है गाइस। सो गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरह के गड्ढे किए हुए हैं, किसी जानवर ने किए, आई डोंट नो कौन सा जानवर है यहाँ पे, बट यहाँ पे रिस्की है, यहाँ पे रुकना थोड़ा रिस्की है। देखो जैसे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे इस टाइप के गड्ढे गड्ढे किए हुए हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे गड्ढे किए हुए हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वैसे तो कोई आ नहीं सकता है, कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा जानवर है जो यहाँ पे इस तरह के गड्ढे कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे रुकना हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इस तरह के गड्ढे कोई ना कोई खतरनाक जानवर ही करता है, और एक दो गड्ढा नहीं है यहाँ पे किया हुआ, बहुत ज़्यादा गड्ढे किए हुए हैं। यहाँ इस एरिया में कोई आने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने जो है पहाड़ी के ऊपर ऑफ रोड करते 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 हम यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ कोई रास्ता वास्ता नहीं है, यहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है। सो हम यहाँ पे पहुँच गए, बट यहाँ से निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत रिस्की लग रहा है मेरे को, तो अभी यहाँ से निकल लेते हैं फर्स्ट पहले। तो यहाँ से निकल रहे हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेना अच्छा नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं ना पूरे गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं, और यहाँ पर हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है। सो शायद यहाँ पर कोई ऐसा जानवर है जो गड्ढे करता है। और भाई देखो अभी हमारे सामने मुकेश भाई अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं। ओ यार, किधर से आए थे अपने? नहीं नहीं नहीं, इधर से आए थे। निकालो निकालो निकालो। सो पहले अभी मुकेश भाई जा रहे हैं आगे लेके, मैं पीछे से जाऊंगा उनके। ओरे यार, अभी काफ़ी दूर चलना है मैं ऐसे धीरे धीरे अभी, क्योंकि हम बहुत अंदर आ गए। तो अभी हम पहाड़ी पे आ गए फिर से एक छोटी सी, एंड इस पहाड़ी से निकलेंगे हम आराम आराम से। ये देखो भाई साहब कितना रिस्की है, अगर थोड़ा सा तेज़ लेके आ जाएं तो आराम से गिर जाएंगे अंदर जाके, इसके अंदर पूरा। यहाँ पे देखो किस तरह से जाना पड़ेगा भाई, एक साइड को करके चलाना पड़ेगा मेरे को गाड़ी,
ये देखो भाई साहब, ओ यार। सो गाइस देख रहे हैं, जैसे कि आप हम पहाड़ी पे हैं, इस टाइम पहाड़ी के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं अब हम। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा जाना किधर से, किधर से आए थे भाई, कम्प्लीटली रास्ता भूल गए हम, कम्प्लीटली रास्ता भूल चुके हैं इस टाइम। किधर से आए हैं, किधर से जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। गाइस देखो, अभी इधर से निकल के जा रहे हैं, पता नहीं मुकेश भाई सीधे सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। भाई देखो, छोटी गाड़ी है ना, वो आराम से हम लेके जा सकते हैं, जैसे मुकेश भाई की गाड़ी है। जैसे मेरी है ना, ये थोड़ा सा टफ है ऐसी जगह लेके जाना, आराम से मुकेश भाई आराम से। सही भी जा रहे हैं, नहीं हम गलत जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखो भाई साहब, मुकेश भाई सही जा रहे हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्या, सही जा रहे हैं हम। सो गाइस, रिस्की है भाई, रिस्की, बहुत रिस्की, यहाँ पे आना जाना बहुत रिस्की है यार, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, सही भी जा रहे हैं नहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अब। अरे गलत जा रहे हो क्या? ये किधर जा रहे हो, सही जा रहे हो? ओ भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया पूरा इसमें, हम सही भी जा रहे हैं नहीं। ओ रे यार, रेता यहाँ पे तो फिसल रही है गाड़ी, आराम से निकालनी पड़ेगी। सो गाइस अभी 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, 5-6 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं गाड़ी पे चलते चलते, और अभी हम आधी भी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए, कितनी अंदर पहुंच गए थे हम। ये देखो मुकेश भाई, भाई साहब, सो अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम बाहर आ गए, बच गए सालो, बच गए, अभी गिर जाते। सो अभी हमें ऐसा फील होने लगा है कि हम थोड़ा बाहर आ चुके हैं। गाइस ये देखो, निकल चुके हैं फाइनली, गाइस बाहर आ चुके हैं। सो फाइनली आ चुके हैं रोड पे, एक छोटा सा रोड हमें मिल चुका है अब, थैंक गॉड हम वहाँ से तो निकल के आ गए। वो अभी इस तरह की लोकेशन पे आ गए गाइस, सामने हमारे हाईवे है अब गाइस, आराम से हम जा सकते हैं। सो हम करीब 2-3 किलोमीटर अंदर पहुँच गए थे गाइस, यहाँ से पहाड़ियों से, मतलब रोड से, और जो कि वहाँ पे कोई जाता आता नहीं है उस एरिया में जहाँ पे हम पहुँच गए थे। तो यहाँ पे कॉफ़ी पीते हुए मुकेश भाई, मुकेश भाई कह रहे हैं ये कॉफ़ी तो बहुत महंगी पड़ गई यार। कितने की पड़ गई? अच्छा तुम डर गए थे ना वहाँ पे, डर गए थे मुकेश भाई वहाँ पे कितना? तो मुकेश भाई वहाँ पे डर गए थे हिल्स पे। सो अभी इनको कॉफ़ी पिला रहा हूँ मैं, मन की डरो मत, अब कोई नहीं आने वाला यहाँ पे। सो कॉफ़ी पीते हैं, अभी निकलते हैं फिर बेंगलोर के लिए। फाइनली गाइस अपन निकल चुके हैं अपने रूम की साइड, और हाईवे पे आ चुके हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा हाईवे बना रखा है। सो गाइस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, काफ़ी ज़्यादा मस्त ब्लॉग था, हमने रिस्क तो लिया बट आप लोगों के लिए रिस्क भी लेते हैं, एंड आप लोग फिर भी वीडियो को फुल वॉच नहीं करते। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइज़।